मंगला स्नान हो गया है और अभी हो रहा है हमारा लंच। तो गांव में ऐसे लोग बैठते हैं एक साथ। बेर बटन क्या पान बेर क्या रे ओ गोरी बेर रे बेर ना जानवर जानवर से ये सब बात खाते हुए सबकी नजर अपनी थाली पे टिकी हुई है। एकदम बढ़िया दाल बन अली सिर भी तो गाइस आ गए। ये बन रही है यहाँ पे क्या और ये चाची है मेरे साथ बना रहे हैं जोरों के गुलाम और ये ले जा रहे हैं अपनी बुआरी के लिए लकड़ी। इनको बोलते हैं जोरों के गुलाम। ये चाचा श्री जिनको बोलते हैं जोरों के गुलाम। बुआरी आटा लेके गई और ये लकड़ी लेके जा रहे हैं। जाओ जाओ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये मेरे भाई को यहाँ पे मार लकड़ी से। Hi guys, I am back to home. I am funny लड़का। यन तन तन तन। ये बन रही है हमारी यहाँ पे रोटी और मेरे साथ हैं चाची। ये हमने आटा गूंद लिया है और आधा भी आटा गूंदने के लिए बचा हुआ है और मौसम आप देख पा रहे होंगे काफी। तो गाइस मंगला स्नान के बाद शाम को कीर्तन वगैरह हुए और कीर्तन के बाद जो है कि हमने रोटी वगैरह बनाई और रात में मेहंदी वगैरह और डांस वगैरह किया। तो अब रात के 2 बज चुके हैं और अब थकान भी लग गई है और कल सुबह बारात में भी जाना है। जाते हैं या नहीं जाते हैं अभी कोई कंफर्म नहीं है। शायद जा भी सकती हूँ क्योंकि बहुत दूर है और नहीं भी जा सकती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा थकान लग रही है तो अभी फ़िलहाल के लिए सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो कैसा लगा आपको हमारे इधर का पहाड़ी रीति रिवाज? तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग कमेंट करके बताना। क्या आपके इधर भी ऐसी होता है या इससे डिफरेंट होता है? क्या मतलब आपके इधर कैसा होता है ये भी हमें कमेंट करके बताना। तो आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं राधिका मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।